हाँ निर्मल। वजी कहाँ रह गए आप, कहाँ हैं? यार मैं अभी इस वक्त ऑफिस में हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मैं मॉल पहुँच जाऊंगी, फिर भी इतना आप इतना लेट क्यों हो गए? भूल जाते हैं आप बार बार। मैं बस अभी 5 मिनट में निकल रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब लेट मत होइएगा। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, वो वाली प्रिंट निकाल देंगे प्लीज? मॉम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे लिए अनीशा की खुशी से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, और अनीशा बहुत दुखी रही है पिछले कितने सालों में। वो दुनिया को छोड़ दीजिए ना, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया का तो काम है बातें करना, किसी को इस बात से क्या गर्ज कि हम किसका बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ इंशाल्लाह अपना बच्चा भी होगा, जब अपना बच्चा होगा तब देखा जाएगा ना। नहीं नहीं मॉम, आप गलत बात मत कीजिए, मॉम ये भी हमारा ही बच्चा होगा, जरूरी तो नहीं है कि खून के रिश्ते ही आपके अपने हो। अरे मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जिनकी वजह से बाद में इंसान को पछताना पड़े। आप एक काम कीजिए, आप साथ के साथ वापस पाकिस्तान आ जाइए, डैड को साथ लेकर आइए, उनका इलाज उनका ट्रीटमेंट यहीं पर करवाएंगे ना। मॉम अनीशा चाहती है कि आप डैड साथ सब यहीं पर हो, हम एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करें, सेलिब्रेट करें अपनी खुशी को, तो इसमें क्या बुराई है? जी जी मैं बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना आप बेफिक्र हो जाइए, मुझ पर एतबार कीजिए, सब बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है मॉम, आई लव यू मॉम, बस जल्दी जल्दी आ जाइए, खुदा हाफिज़।